नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जिंदगी भर का सल्यूशन जो कि आपके मैनिफेस्टेशन में भी आपको करेगा कमाल की हेल्प। तो जो सल्यूशन आज मैं दे रही हूं ना आपको, वो मेरी पर्सनल लाइफ में से निकल करके आया है और इस सल्यूशन ने मेरी लाइफ को सॉल्व करके रख दिया है। मैं सच बता रही हूं आपको, एकदम इसने हर चीज में मुझे मदद की है। देखिए, मैं ना आप लोगों में से बिल्कुल एक इंसान हूं, आम मैं लोअर मिडिल क्लास में पली बड़ी लड़की हूं और वही लाइफ वही सब कुछ मैंने देखा है और आज भी मैं देखती हूं और मुझे देखने का लाइफ को शौक है। ठीक है, तो अब मैं शौकिया देखती हूं क्योंकि मुझे जिंदगी को देखने का शौक है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की हूं और उसी सोसाइटी में हूं जिस सोसाइटी में आप हैं, तो हमारी सोसाइटी में, हमारी चीजों में, हमारी बातचीत में, हमारे लोगों में हमने क्या सीखा है, वही मैंने भी सीखा है, तो उसी से मैं आज ये बात कर रही हूं। क्या सीखा है? प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, यही सीखा है ना कि ये हो गया, ये नहीं होता तो अच्छा हो जाता, ये तो उसी में सीखते 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 मैंने ये भी सीखा कि जितना प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा है उतना प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जितना भी उस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि यार अब पैसे ऐसे तो नहीं आ जाते ना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे को ऐसे रखना चाहिए, पैसे सबके पास नहीं होते, पैसे कमाने सबके पास की बात नहीं है, ये किस्मत की बात है, टिंग टोंग टांग, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सबके रिश्तों में किस्मत वैसी नहीं होती, किसी की बहुत किस्मत अच्छी होती है, उसका भाग्य होगा, उसके भाग्य में लिखा होगा, टिंग टोंग टिंग, ठीक है, ऐसे। तो इसी तरीके से हर एरिया में डिस्कस करो तो फिर प्रॉब्लम करो, तो यही मैंने भी सीखा था कि अगर डिस्कस करना होता है तो प्रॉब्लम करना होता है, सॉल्यूशन का भी कोई डिस्कशन होता है तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब लाइफ के चरम सीमा की टेंशन पे आई और मुझे लगा कि अब यहां से ना अटक गई हूं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, है ना, प्रॉब्लम्स ही इतनी है कि डिस्कस ही क्या करूं, मतलब डिस्कस ही करते करते पागल हो जाऊंगी, आधी रात रात निकल रही है, सुबह हो जा रही है, माइंड के अंदर भी डिस्कशन चल रहा है, लोगों से भी डिस्कशन चल रहा है, दोस्तों से भी डिस्कशन चल रहा है, घर में भी डिस्कशन चल रहा है, परिवार में भी डिस्कशन चल रहा है और जहां रायता फैला हुआ है वहां तो जो चल रहा है चल ही रहा है। ठीक है, तो सब एरिया में जब रायता फैला हुआ है, फाइनेंशियली चीजें खराब है, रिलेशनशिप वाली चीजें खराब है, अपनी हालत की धज्जियां उड़ा रखी हैं वहां पर भी चीजें खराब है, हेल्थ पूरी तरीके से एकदम डाउन होती जा रही है उसकी भी हालत खराब है, मेंटली पूरी तरीके से ड्रेन्ड हूं उसकी भी हालत खराब है, मतलब आप ये लगा लो हर एरिया में हालत खराब है। अब हालत खराब में हालत खराब की ही डिस्कशन हो रही है, जो कि ऐसा लगता है वाह ये तो नॉर्मल है, तो नेचुरल है, क्या करें, प्रॉब्लम में तो डिस्कस ना करें। यहां से मैंने सीखा प्रॉब्लम डिस्कस करने से बेहतर होगा कि मैं सोल्यूशन डिस्कस करूं, ये आप कह सकते हैं डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, जब ये सोल्यूशन डिस्कशन पर मेरी लाइफ आई तो मुझे लगा कि सोल्यूशन डिस्कस करना चाहिए। देखिए, जब भी हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं ना तो हम पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट हमारा धीरे धीरे बनता जाता है। अगर आपकी भी आदत है जैसे मेरी थी कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को डिस्कस करो, ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया, उसने ऐसे कैसे कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, ये हो जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो हो जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम में से फिर एक और प्रॉब्लम निकलती है, लोग ऐसे ही होते हैं, किस्मत वैसी ही होती है। तो अगर वैसा है ना तो मुझे लगता है कि सोल्यूशन डिस्कस कीजिए और देखिए, खुद सोच करके देखिए, जब हम सोल्यूशन डिस्कस करें कि यार ये चीज है इसे ठीक करना है, ये ठीक कैसे हो सकती है, तो जब आप इस पे ध्यान लगाएंगे ना कि ये चीज है, ये ठीक नहीं है, इसे ठीक करना है, अब ये सोल्यूशन डिस्कशन की बात हो रही है आपकी, ठीक है, अब इसी चीज को आप प्रॉब्लम के डिस्कशन पे लगा लीजिए, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज तो खराब हो गई, अब इसका क्या होगा, ये तो पूरी तरीके से खराब ही हो चुकी है, ऐसी चीजें ठीक नहीं होती, किस्मत होगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जब मैं सोल्यूशन डिस्कस करूंगी तो फिर मैं क्या कहूंगी, यार ये कैसे ठीक हो सकती है, कोई तो हल निकलेगा ना कुछ तो कर सकते हैं ना, चलो ऐसे नहीं तो वैसे ट्राई करते हैं शायद ये चीज ठीक हो जाए, ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज नहीं होती, ट्राई तो कर ही सकते हैं ना इसको ठीक करने का। तो अब आप देखेंगे कि जब भी सोल्यूशन डिस्कस हो रहा है तो वो जो कन्वर्सेशन है
वो पॉजिटिव है, वहां हल निकलेगा। उस बात से आपको समझ में आएगा कि इस चीज के इतने सारे सोल्यूशन भी हो सकते हैं, इसी प्रॉब्लम के इतने सारे रस्तों के द्वारा भी हम कोई एक रास्ता निकाल सकते हैं और उस जगह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम डिस्कशन से क्या हुआ, प्रॉब्लम अट्रैक्ट हुई। सोल्यूशन डिस्कशन से क्या हुआ, सोल्यूशन अट्रैक्ट हुआ। अब भरोसे मत बैठिएगा लोगों के, लोगों को मजा आता है हमारी तरह ही, जैसे मैं थी ना, ऐसे ही लोग हैं, मजा आता है, हमें आदत हो चुकी है, हमें मजा आता है और हम अट्रैक्ट भी करते हैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। तो लोगों के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठिएगा कि आप लोगों के भरोसे बैठेंगे तब जाके आपके सोल्यूशन डिस्कशन वाले मुद्दे निकल करके आएंगे, ठीक है। ये मैंने अपने दिमाग में सोचा था कि यार मैं इसके लिए भी प्रॉब्लम के डिस्कशन अपने फ्रेंड सर्कल में कर रही हूँ, घर में कर रही हूँ, फैमिली में कर रही हूँ, जिससे मौका मिल जाता है मैं प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही हूँ, तो फिर सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा। तो जब मैंने इसे अपने माइंड में सोल्यूशंस निकालना शुरू किया ना, तो फिर लोगों की वैसी बातें, लोगों को, सोल्यूशंस को मैंने अट्रैक्ट करना शुरू किया, चीजों को वैसे होते हुए अट्रैक्ट करना शुरू किया। ये मैंने अपनी खुद की जिंदगी में से सीखा है कि प्रॉब्लम्स को जब जब डिस्कस किया है, जब जब देखिए, थोड़ी देर आपने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, सही है, कोई बात नहीं, जरूरी है, क्योंकि आप प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उसको खोल करके देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन लगातार उस पर डिस्कशन कभी भी सोल्यूशन निकाल करके नहीं ला पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम का डिस्कशन सिर्फ नेगेटिव हो सकता है और आपकी प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होंगी और ज्यादा। ये सीखा है मैंने अपने जीवन में, जब अच्छा खासा लाइफ में एक चीज चल रही है कि हाँ, एक लोअर मिडिल क्लास ही सही, फैमिली है, लेकिन फैमिली के अंदर प्यार है, चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अभी पैसे को लेकर के ऐसा डिस्कशन तो और क्राइसिस देखे। रिश्तों के अंदर अगर छोटा मोटा अपने और रिलेशंस जो होते हैं हमारे, और जैसे पापा के भाई बहन हो गए या मम्मी के भाई बहन हो गए या और अपने आस पड़ोस में से लोग हो गए, वहां पर देखा रिलेशंस में गड़बड़, तो वो रिलेशन को जब प्रॉब्लम डिस्कशन पर उतारा तो धीरे धीरे करके रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। फिर कोई नया रिश्ता भी अट्रैक्ट किया, वो भी प्रॉब्लमेटिक अट्रैक्ट कर लिया। अब उस जो प्रॉब्लम को अट्रैक्ट किया है उसके डिस्कशन में और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ये चीज ने मेरी लाइफ के ना दिमाग के ना तार खोल दिया और मुझे लगा मैं प्रॉब्लम डिस्कशन वाले लोगों में से एक नहीं होने वाली, भले ही वो भीड़ हो वहां पर। यहाँ पे मुझे दो लोग मिले, यार ठीक है, कोई नहीं, कम से कम सोल्यूशन तो डिस्कस होगा ना, कोई नहीं, यहाँ भीड़ कम है, मुझे लगेगा कि बहुत कम लोग हैं, हाय मैं किससे बात करूं, चलेगा यार, चलेगा। वहां भीड़ में प्रॉब्लम 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 डिस्कशन से बस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट हो रही हैं, मुझे सोल्यूशन के बारे में बात करनी है, इसको डिस्कस करना है, तो मुझे पता है कि हाँ मैं इस जगह पर, इस एरिया में अट्रैक्ट कर सकती हूँ। अब अगर आपकी लाइफ में पैसे को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रॉब्लम के डिस्कशन से तो देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, बल्कि आप सोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई रिश्ता है आपका बहुत ज्यादा खराब है, उसको नेगेटिव वे में से डिस्कस करने से तो आपका रिश्ता ठीक नहीं हो जाएगा ना, बजाय उसके आप सोल्यूशन डिस्कस कीजिए तो आप खुद भी पॉजिटिव होंगे और उस चीज को आप अच्छे तरीके से अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। ये मेरी लाइफ में मनी हो, चाहे मेरा कोई भी रिश्ता हो, चाहे मेरी लाइफ के पुराने रिश्ते हो, चाहे मेरी लाइफ में नए रिश्ते हो, या मेरी लाइफ में कोई भी नए आने वाले लोग हो, मैं उन सब लोगों के लिए अब इस तरीके से ही सोचती हूँ कि जिससे भी मेरी बात हो ना, उसे सोल्यूशन डिस्कशन पे बात हो, तो चांसेस इसके बढ़ जाते हैं कि सोल्यूशन डिस्कशन पे ही बात होती है। आज जब मैं आप लोगों से भी बात करती हूँ तो मैं सोल्यूशन डिस्कशन पे ही बात करती हूँ, मुझे उस चीज से ज्यादा इस चीज से फर्क पड़ता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सुन लूं, पहले उसको थोड़ा खोल के देख लूं, एंड देन फिर मैं देखूंगी कि यार इसके सोल्यूशन डिस्कशन पे हम कैसे जा सकते हैं, मैनिफेस्टेशन पे भी हम इस पे कैसे जा सकते हैं, इस पर अगर कोई पॉजिटिव वे में बात करनी है तो कैसे कर सकते हैं। हाँ, चीज लग रही है कि नेगेटिव है तो ठीक है, नेगेटिव बात तो होगी, लेकिन उसके अंदर से ही तो सोल्यूशन निकालना भी पड़ेगा ना। देखते हैं कि किस लेवल पे हमारी लाइफ में से अभी फिलहाल इसके अंदर से सोल्यूशन निकाल करके आ सकता है, तो उसके ऊपर। तो ये चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी और इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, हर एरिया में हेल्प की है, हर एक एरिया में। अब आप अपनी लाइफ का कोई भी एरिया निकाल करके देखिए जिसके ऊपर आप प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्या वो इतने टाइम में घटी है या बड़ी है, आंसर आपके पास होगा। अगर आप उसके सोल्यूशन पे उतना ही टाइम लगा के डिस्कस करते तो चांसेस बहुत ज्यादा आपके बढ़ जाते कि आप उसको सॉल्व कर लेते।
हमारे माइंड को भी हम ये बातें करके इस तरीके के लोगों के बीच में रह के आदत डाल देते हैं कि हमें प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। तो अब हमारे माइंड को भी आदत पड़ गई है कि हमें प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। माइंड के अंदर भी हम प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते हैं। तो जो बीमारी अब तक बाहर चल रही थी वही धीरे धीरे करके हमने अपने अंदर भी बना ली है। तो ये लड़ाई अब बाहर की नहीं रह गई, अंदर की भी रह गई है। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए और ये आपको समझ करके काम करना चाहिए कि अगर आप सीरियस हैं ना अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए, तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना बंद कर दें। हर जगह पर उसको डिस्कस करना बंद कर दें। सिर्फ वही डिस्कस करें जहां आपको सच में लगता है कि आपको सल्यूशन मिलेगा। अपने माइंड में सबसे पहले उसको डिस्कस करें जहां पर आपके सल्यूशन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और अभी शुरुआती दौर पर जब आप सल्यूशन डिस्कस करेंगे तो आपका माइंड आपको खुद ही बोलेगा, अरे क्या बातें कर रहे हो, उसी को डिस्कस करो जिसको तुम करते थे, क्योंकि आपने उसको कंफर्टेबल कर दिया है अपने नेगेटिव डिस्कशन के साथ में। और शुरू शुरू में वो आपको ऐसे कमांड्स भी दे सकता है, ऐसे एक्शन भी दे सकता है करने के लिए जो आपको और ज्यादा नेगेटिव कर दें, या फिर आपके रिजल्ट उसी एक्शन से नेगेटिव आ जाए। इसलिए जब भी आप अपने माइंड में सोल्यूशन की बातें शुरू करें, काफी टाइम से नेगेटिव चर्चा चल रही है, तो स्टार्ट करना मेडिटेशन से। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा इस चीज को लेकर के कि जैसे ही मैं माइंड पर उतरी और मुझे लगा कि नहीं मेरे को तो सोल्यूशन डिस्कस करना है, तो मैंने एक के बाद एक नेगेटिव एक्शन ले लिए। मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि आदत तो वही थी तो माइंड उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा था। लेकिन जब अपने माइंड को शांत किया, उसके बाद उसके अंदर सोल्यूशन वाला माइंडसेट प्लांट किया, देन सोल्यूशन वाली बातें कर सकी। तो धीरे धीरे इस चीज में टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में अब मैं उतना यकीन नहीं रखती हूँ जितना मैं सॉल्यूशंस को डिस्कस करने में रखती हूँ। और मुझे लगता है कि ये चीज अगर मेरी जिंदगी को बदल सकती है तो ये किसी की भी लाइफ को बदल सकती है। डिस्कस करिए आज के बाद सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, सिवाय अट्रैक्ट करेंगे आप उसे। सो बी केयरफुल। ये खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा। हर एरिया में प्रॉब्लम बढ़ रही थी। मनी को लेके कर रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम, रिश्तों को लेके कर रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम, कहीं जाने आने को लेकर के अभी नेगेटिव हो गए तो उसी की प्रॉब्लम। हर छोटी छोटी चीज में नेगेटिव प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना बहुत आसान हो गया हमारे लिए, जो कि हो गया था मेरे लिए। ऐसे रही हूं मैं आप लोगों के जैसी, और आज भी मैं आप लोगों के जैसी ही हूं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फेर बदल किया है, हल्का सा चेंज किया है माइंडसेट को। आज भी कोशिश कर रही हूँ, आज भी रोज कोशिश करती हूँ कि मैं अपने माइंडसेट को 1% ही सही पर और चेंज करूँ और अच्छी दिशा में लेकर के जाऊं और अपने ऊपर काम कर सकूं और सॉल्यूशंस पर काम कर सकूं। तो 1% सही आगे तो बढ़ेंगे, एक छोटा सा स्टेप ही सही हमें आगे तो लेकर के जाएगा। तो ये माइंडसेट ने मेरी लाइफ को बदला है और ये माइंडसेट ने मुझे मजबूत बनाया है। ये माइंडसेट ने मुझे मैनिफेस्टेशन के रियल मायने समझाए हैं। ये माइंडसेट ने एक्चुअली मेरी लाइफ को बहुत फुल कर दिया है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू, इंटरेक्ट करें, ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।